मैं सत्यनारायण सिंह राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सत्या यूरोप में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पोलैंड का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है ना, तो वो इशू के बारे में बताऊँगा। पोलैंड अभी क्या कर रहा है कि जो भी पोलैंड, पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो पोलैंड है ना वो एक शेंगेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो अभी पोलैंड ने क्या किया कि पहले हम जो वीज़ा अप्लाई करते थे या अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते थे ना, वो डॉक्यूमेंट हमारे VFS में जाते थे। अभी VFS और एम्बेसी का क्या लोचा चल रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया कि आपस में अभी VFS और एम्बेसी ने क्या अपना जो टाइप था वो तोड़ दिया है। अभी डायरेक्ट हम जो भी करेंगे वो सब एम्बेसी से ही करेंगे, VFS का कोई चांस नहीं था। पहले क्या होता था कि जब हम वीज़ा अप्लाई करते थे तो हमको VFS जाना पड़ता था, VFS वाले एम्बेसी को डॉक्यूमेंट भेजते थे, वो हमारा निगेटिव या पॉजिटिव जो भी होता था कि वीज़ा देना है या नहीं देना, हमारी फाइल चेक करनी है, जैसा जो भी उनका जो भी रूल होता था उस हिसाब से हमको वीज़ा देते थे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी एम्बेसी ने क्या किया कि जो टाइप तोड़ दिया VFS के साथ में, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप सभी पोलैंड वालों को ये बता देता हूँ कि अभी अगर कोई भी एजेंट अगर आपसे पैसा मांगता है कि भाई हम आपको डेट दिलवा देते हैं, ये दिलवा देते वो दिलवा देते, घंटा कुछ नहीं दिलवा पाएंगे, ठीक है। अभी ये सितंबर से ही अभी सब बंद है पोलैंड का काम, ठीक है। किसी को एक भी पैसा मत देना एजेंट को, अगर वो बोले कि मैं आपको 2,50,000 10,000 या 20,000 70,000 लाख 1,50,000 जो भी आप मुझे दो और मैं आपको डेट दिलवा दूंगा, घंटा कुछ कहीं पे नहीं है, ठीक है। सब कुछ अभी बंद चल रहा है पोलैंड के अंदर, बिल्कुल बंद है, ये समझ लो आपके बिल्कुल बंद है। मेरा कहा अगर मानोगे तो आपका पैसा बच सकता है, ठीक है। एजेंटों को तो क्या आपसे पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो वो आपको उल्टा सुलटा ये पाठ पढ़ाएंगे, ये करो और वो करो, ठीक है। वो आपसे पैसा ले लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे आपका, ठीक है, और आपको एप्लीकेशन दिखा देंगे, देखो हमने आपका ये VFS में ये किया है और वो किया है, ठीक है। VFS का कोई काम नहीं है, अभी डायरेक्ट एम्बेसी से होगा जो भी काम है। VFS में इसलिए हुआ है क्योंकि अभी क्या बहुत बड़ा एक कांड हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया, इंटरनेशनली हुआ, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया ये पोलैंड का, क्योंकि पोलैंड क्या छोटी मोटी कोई कंट्री नहीं है, जैसे कि यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, या अपना पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऐसी कोई कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो अभी क्या बहुत फेमस हो गया, इसके लिए क्या पोलैंड ने सारा काम, जब EU का ये यूरोप का जब पोलैंड के ऊपर प्रेशर आया ना, तो इन्होंने सब बंद कर दिया काम, ठीक है, बिल्कुल बंद कर दिया बिल्कुल। तो मैं अभी सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार दोस्तों, यार देखो, किसी को पैसा एक रुपया मत देना अभी, ठीक है। VFS का वो बोलेंगे आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दूसरी बात, अभी जो आपको जो डेट मिलेगी ना वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, क्योंकि अभी जो होगा ना, जो भी अभी होगा वो सब लॉटरी बेस पे होगा। और तीसरी बात, जिन आपका जो वर्क परमिट अभी जो जिन लोगों को मिल रहा है ना, वो सभी फेक वर्क परमिट मिल रहा है, ठीक है। आज ही मैंने 15 बंदों के पंजाब में चेक किए हैं, सभी के वर्क परमिट फेक थे, सब के सब वर्क परमिट फेक थे, और उनसे 50,000 रुपये ले लिए गए। तो यार दोस्तों, यार इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। आप लोग जो ये गलती करते हो ना, इस चीज़ को दोहराया मत करो बार बार, क्योंकि आप लोग ये पैसे तो दे देते हो लेकिन आगे देखते नहीं हो यार, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो यार, है ना। मेरा काम है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, और मैं आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, दूसरों के जैसा कभी 5,000 डालो, 2,000 डालो, 10,000 डालो, ठीक है, लेकिन बात जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इधर मछली बाजार में नहीं बैठा हूँ कि मछली 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा भी टाइम जाता है, ठीक है। जो जेन्युइन बात हो ना वही मुझसे पूछा करो आप, हर बात मत पूछा करो यार मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है, ठीक है। आने को तो पूरा इंडिया ही बैठा है आने के लिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश बैठा है, लेकिन उसका एक रीज़न भी होना चाहिए आने का यार, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये कोई दिल्ली से जयपुर और जयपुर से कोई पंजाब जाने जैसा नहीं कि बस में बैठे हम पहुँच गए, ठीक है, इंटरनेशनल ही होता है काम। तो हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, ठीक है। जो अभी पोलैंड का जो काम है वो सब अब एम्बेसी देखेगी, अभी अपने VFS का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, अब जब आप अपना वर्क परमिट जब डालेंगे तो आपको तुरंत वहाँ से ईमेल आ जाएगा आपके पास कि आपका वर्क परमिट फेक है या डॉक्यूमेंट जो भी है आपका ओरिजिनल है या नकली है, ठीक है। इससे आपको तुरंत वहाँ पता चल जाएगा आपका, जब तक VFS में जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते थे पहले, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एम्बेसी जाओगे, वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना, ठीक है। उसके बाद में जब आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा भैया हाँ आपका वर्क परमिट सही है, ठीक है, आपका प्रोसेस आगे चल रहा है, तो ही एजेंट को पैसे देना, वरना कोई पैसा मत देना। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है अभी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो इस स्कैम को, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपसे पैसा मांगे, किसी को कोई भी पैसा मत देना, अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने और 1 साल भी लग सकता है, जब भी खुले तब खुले, ठीक है ना, क्योंकि बहुत प्रेशर है ऊपर से पोलैंड वालों के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या है कि जो पुलिस जो VFS वाले लोग थे ना वो भी शामिल थे इसमें। ये स्कैम अपने एशिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और जापान और टोक्यो, ठीक है,
ये सब यहाँ पे हुआ था बांग्लादेश से, और ये इसमें ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों यार, क्योंकि देखो आप लोगों का जब मेरे पास मैसेज आता है और आप लोग मुझसे बात करते हो कि मेरे यार सर ऐसे पैसे बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए, तो मुझे बहुत दुख होता है यार। ठीक है, ये चीज़ें यार आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि कहाँ क्या चल रहा है। आजकल तो यार गूगल है, पहले तो न्यूज़पेपर चलता था कि 10 दिन 15 दिन में आप तक खबर पहुँचती थी, अभी तो एंड टू एंड पहुँचता है यार, आज किसने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, और जिसको भी कुछ भी अगर जानकारी लेनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा इंस्टाग्राम का, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यार मेरे पास, मैं क्या पैसा लेता नहीं हूँ, मेरे दिन में 500 यार फ़ोन आते हैं, किस किस का रिसीव करूँ मैं यार। ठीक है, लेकिन जवाब सबको मिलेगा, मैं नंबर वाई नंबर सभी से बात करता हूँ जो जेन्यून बंदे होते हैं। ठीक है, और जो जेन्यून नहीं होते उनसे भी मैं बात करता हूँ, उनको भी बताता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पैसा किसी को मत देना। ठीक है, एजेंटों को तो बिल्कुल मत देना पैसा, क्योंकि अभी देखो कोई नक्की नहीं है कि आपका जो VFS की जो और एम्बेसी की जो लड़ाई है वो कब ख़त्म होगी, क्योंकि VFS का तो काम बिल्कुल ही बंद ही समझ लो अभी। ठीक है, अभी जो भी काम होगा सब एम्बेसी से ही होगा। ठीक है, अभी जो भी काम करोगे आप सब एम्बेसी से करना, VFS का लोचा ख़त्म। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, ताकि और लोगों को पता चल सके कि पोलैंड में क्या चल रहा है, और भाई बहन जो हमारे वो फंसे नहीं कहीं पर जाके। ठीक है, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब करो यार, देखते तो सभी हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, किया करो यार, तभी तो मेरे अंदर का शैतान जागेगा। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत।